तो इस एपिसोड की शुरुआत तो इस होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो गॉड यहाँ पे थी हमारा मेकड एनर्जी देखो उसको रिवाइव कर रहा था। तो क्यों टीयर भी कहती है भाई इसका हेल्प करना ठीक रहेगा क्या? आई थिंक नहीं रहेगा। हमारा मेकड कहते हैं कि नहीं यार ठीक यहाँ पड़ेगा, मुझे हेल्प करके इसके द्वारा बातचीत यहाँ पे करना है, और अगर मैंने हेल्प यहाँ पे नहीं किया इसको रिवाइव करने के लिए तो ये बाकी बंदे द्वारा एनर्जी चूज कर ये अपने आप को वैसे भी रिवाइव यहाँ पे कर ही लेती। तो ऐसा करके मैंने इसका भी हेल्प यहाँ पे कर दिया, जो बाकी बंदे लोग हैं बाकी बंदे लोग की भी जान बचा ली। अब आते भाई बाकी बंदे लोग की ओर, जो बूढ़ा आदमी था जिसके साथ हमारा मेकड रहा तो वो भी देखते हो गोड क्या हो गया। अचानक से किसी एक एरिया से इस जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई और हमको भी धीरे धीरे महसूस होने लगी, और मैं जो बॉडी है ना उसी एनर्जी के पीछे एकदम पागल यहाँ पर हो गया। उसको और एनर्जी चाहिए, उसके साथ एक ड्रैगन भी था वो भी कहता आर यू ऑलराइट? तो ये बंदा भी कहता यस आई एम ऑलराइट। भाई लकी हूँ जो मैं यहाँ पे बच गया, वरना आई डोंट नो यार पता नहीं कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर लग रहा है। ड्रैगन भी कहता यार एरिया बहुत ज्यादा गड़बड़ यहाँ पर लग रहा है। तभी पीछे से एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है भाई गोड आगे कुछ तो है, जहाँ पे सारी की सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही थी, अभी अभी मेरा लेवल अप हो गया क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे मिली है और भी मुझे एनर्जी यहाँ पे चाहिए इसलिए आगे आने दो। तो ये लिटरली भागते हुए वहां चल जाता है। बुड्ढा देखते कि भाई कुछ तो मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, लकी था जो इस पर बच गए, आगे चल के ना जाने कितना बड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो लिटरली अपने ड्रैगन पे बैठ के निकल जाता है, साथ में जो लड़का या लड़की जो भी है अभी तक मुझे जेंडर के बारे में आइडिया नहीं लगा है, ये भी ऐसा देखता है डरपोक कहीं का। यार ये जगह बड़ा कमाल का है, मेरे को पांचवें रैंक पे जाना था जो इतने सालों से जा नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली आज मुझे मौका यहाँ पे मिला है। हाँ तो मैं जाऊँगा उस बीच वाले एरिया में, जो भी एनर्जी है सारी एनर्जी चूस लूंगा। तो ये भी उसी एरिया में निकल जाता है, जो क्यों टीयर है उसको भी आइडिया लग जाता है, वो भी कहती मास्टर लगता है ना जो एनर्जी का लालच है उसके चक्कर में ढेर सारे बंदे यहीं पे बढ़ रहे हैं, क्या करे। हमारा मेकेट भी कहता है लालच ऐसी चीज है कि हर बंदे लोग को पागल यहाँ पे बना देती है, चलो यार हम जाके चेक करते हैं। तो ये दोनों निकल जाते हैं। अब आते हैं उन्हीं बंदे लोग की ओर, जहाँ पे वो बंदे लोग ना आ जाते हैं और जैसे आते ना वही दिखाई देते कि ओ माय गॉड चलो यार इसी एरिया से हमको एनर्जी महसूस हो रही थी। तभी हमारी क्यों टीम सामने आती है और आती है एक बंदे पे अटैक करके उसको साइड में फेंक देती है और कहती भाई ये एरिया हमारा है जहाँ पे मेरा मास्टर यहाँ पर है, मास्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें से कोई नहीं आ सकता, माने कोई भी नहीं आ सकता, सबके सब पीछे यहाँ पे हटो। तो बंदे लोग डाउट में कि चल के आ रहा है। हमारा मेक कटे कहते क्यों टीम मेरी बात सुनो, वो भी कहती है मास्टर सुन रही हूँ। हमारा मेक कटे कहते कुछ भी करो कैसे भी करो उनको रोको, बस पास में आने मत दो, लेकिन जान से किसी को भी मत मारना। जो सुनते ही वो भी कहते ओके ठीक है। उतने में दिया चल जाता है उसी गॉड की जो की वाइब हो रही थी, तो ये लोग भी चौंक जाते एक सेकंड गॉड कोई लग रहा है या फिर इस पूरे रिव्यूज का कोई मालिक लग रहा है जो कि मर चुका था लेकिन धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, उसका बॉडी का हर एक जो पार्ट है ना वो रिवाइव हो रहा है, यानी भाई बड़ा कमाल का होगा। और ये इनके हाथों में चल जाएगा क्योंकि हमको रोके जा रहे हैं, इसलिए इनके लेने से पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं। भाई अकेली लड़की यहाँ पर हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हमारे क्यूट यार भी लाइक शिट यार मेरे मास्टर ने मना किया लेकिन तो भी तुम सबको समझ नहीं आता, लातों के भूतों बातों से मानने वाले नहीं होते। लिटरली सारे के सारे बंदे ना आगे बढ़ जाते इस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये भी एक एक करके सारे के सारे बंदों की कुटाई करती है। वो बंदे लोग भी देखते बाप रे लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग है हम इसको हरा भी नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं इग्नोर मारते और क्या, ये लड़की बिजी रहेगी उतने में जाएंगे और जाते हैं हमें जो ट्रेजर है ना वो ट्रेजर ले लेंगे। तो लिटरली क्यूट यार को इग्नोर मारकर वो लोग डायरेक्ट आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे तो हमारा मेकेट खड़ा था, वो भी देखते कि अरे यार मैं किसी को मरवाना नहीं चाहता लेकिन ये लोग भी ना बात बात पर मजबूर यहाँ पे कर देते हैं। क्यों टीएन भी हमला करने के लिए पीछे से आई रही थी लेकिन हमारा मेकेट टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज करता है, सारे के सारे बंदे लोग को टेलीपोर्ट करके दूसरे साइड टेलीपोर्ट कर देता है। सारे बंदे टेलीपोर्ट होकर किसी और एरिया में आ जाते हैं, वो लोग भी डाउट में कि एक सेकंड हम लोग तो गुफा के अंदर थे ना, उस आदमी पर अटैक करके जो टेजर था वो लेने वाले थे ना, लेकिन अचानक से कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है उसी लड़के ने ही हमको टेलीपोर्ट यहाँ पे कर दिया। लेकिन उसने कोई मंत्र भी नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला, बस चुटकी बजाते यहाँ पे भेज दिया, नहीं मानना पड़ेगा वो बंदा तो सातवें या फिर आठवें रैंक का बंदा होगा। शिट यार हम तो गलत आदमी से पंगा यहाँ पे ले रहे थे, ठाई को डम बच गए। अब आते हमारे में कैडर की ओर जो कि क्यों टीएन को डांटता है, ये कहते हैं कि मैंने मना किया था कि भाई कुछ भी हो जाए उनकी जान मत निकालना, लेकिन एंड में तुम तो जान निकालने को भी तैयार हो चुकी थी यार, अच्छे हो कि मैंने टेलीपोर्ट किया वरना तुम तो मार डालती। ये भी कहती सॉरी यार थोड़ा गुस्से में आ गई थी, गुस्से के मारे अपने गुस्सा कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाई। फिर हमारा में कैडर आवाज लगाता कि चलो यार सब लोग जा चुके, तुम अंदर कब तक छुपी रहोगी, बाहर आओ। वही जो लड़की यहाँ पे थी, हाँ ये कन्फर्म लड़की यहाँ पर है, वो भी कहती वाह यार तुमने मेरे बारे में अनुमान लगा लिया, क्या ना भाई मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कोई अटैक नहीं करूंगी, मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि जो रिवाइव हो रहा है ना ये कौन एग्जैक्टली है। हमारा मेक अटैक कहते गॉड यहाँ पर है जो कि अपने टाइम पर प्रोफेशनल हुआ करता था लेकिन किसी रीजन के चक्कर में मर गई, अब ये धीरे धीरे रिवाइव यहाँ पे हुए जा रहा है, तुमने समझ यहाँ पे लिया अब तुम जा सकती हो। वो भी कहते शुक्रिया नसीब रहेगा तो मिलेगी, इतना बल्कि जा रही थी। हमारा मेक अटैक भी देखते कि वाओ इसका लगता है इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया और अभी के लिए एक डेमोनिक कल्टीवेटर बन चुकी है, जो भी नॉर्मल कल्टीवेटर थी ना इसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर में ज्यादा फायदा हो रहा है। डेमोनिक कल्टीवेटर ये नहीं इसका मतलब बुरा हो गया, वो बस तुम्हारे करेक्टर पर डिपेंड है और इसका करेक्टर मुझे तो बुरा यहाँ पे नहीं लगता। फाइनली वहाँ से चल जाती है, जैसे वहाँ से जाती है ना वैसे ये जो गॉड यहाँ पे थी जिसको रिवाइव कर रहा था उससे भी कहा जाता है कि सुनो यार काफी देर हो चुका है, आई नो तुम रिवाइव यहाँ पे हो चुकी हो तो ज्यादा भी होश होने का नाटक मत करो, होश में आओ। हाँ तो होश में आती है और होश में आती डायरेक्ट भागने लग जाती है। हमारा मेक कैरेक्टर कहता है वाओ अभी अभी रिवाइव हुई और अभी अभी भागे जा रही है, मेरे चंगुल से नहीं भाग सकती। इतना बोल के एक अटैक निकालता है और अटैक निकाल के कर देता है और जिसके चक्के में चोट लगता है बेचारी भाग नहीं पाती।
गई। क्यूटीयर पीछे से आती हूँ कहती वाह मेरे मास्टर के आगे तूने भागने की कोशिश यहाँ पे की, तुझसे बुद्धू कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये भी देखती है एक सेकंड, ये तो क्यूटीयर है और इस लड़के को मास्टर यहाँ पे बोले जा रही है कि इसका मतलब इसका मास्टर अब हवेली डाउ था ना, ये लड़का हवेली डाउ है। हमारा मेकअप भी कहता 10 करोड़, आपने सही पहचाना मैं ही हूँ हवेली डाउ। तो इसको भी और महसूस होता है तो आइडिया लग जाते हैं बाप रे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इस लड़के के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं सकती, मुझे लिटरली भागने पे ध्यान देना चाहिए। तो लिटरली अभी भी भागने पे ध्यान देने को तैयार थी। हमारा मेकअप भी लगे मैंने पहले तुझे रोक लिया भागने से, लेकिन तू वापस से भागना चाहती है तो चैन से ना उसकी बॉडी ऐसा रोक देता है जिसके चक्कर में भाग भाग भी नहीं पाती। तो पीछे से अपनी आती भी क्यूटीयर कहती साली अगर तूने हिलने की भी कोशिश यहाँ पे की ना फिर से जहाँ से मार डालूंगी तो और भी ज्यादा डर जाती है। हमारा मेकअप भी कहता यार अभी अभी बेचारी रिवाइव हुई है इतना मत डराया कर, डर के हमारे कहीं मुंह तो ना निकल जाए। वो भी कहती है छठी के मास्टर नहीं डराऊंगी। हमारा मेकअप भी कहता चलो तुमको मैं जानता हूँ, तुम भी मुझे अब जानती हो, तो इंट्रोडक्शन लेने देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यार मैंने तुमको इसलिए रिवाइव किया ताकि मैं तुझसे 2 साल सवाल यहाँ पे पूछ सकूँ, तो मुझे सवाल पूछता हूँ तो जवाब दे। ये भी कहती भाई सवाल जवाब करके अब कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। हमारा मेकअप भी कहता हूँ फोन सुनो यार मैं हवेली डाउन यहाँ पर है, चाहे तो मैं कैसे ना कैसे तुम्हारे मुंह से आंसर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। हाँ तो भाई अगर मैं कोई बुरा तरीका यूज करूँ उससे अच्छा मैं सिंपल सिंपल पूछता हूँ तू जवाब दे दे बिना किसी तकलीफ का। तो वो भी हल्का सा घबरा जाती है, समझ जाती है हवेली डाउन है तो टॉर्चर भी कर सकते, इसलिए कहती ओके ठीक है तुमको जो सवाल पूछने पूछो मैं सही सही जवाब देती हूँ। हमारा मेकअप कहता है यही ना बात, तो मुझे बताओ तुम्हारा जो भी गद्दार यहाँ पे थे ना तुम भी गद्दारों की लिस्ट में यहाँ पर आती हो, हाँ तो तुम से तुम्हारा क्या प्लान है। ये भी कहती आई डोंट नो, क्यों टीयर भड़क जाती हूँ कहती मास्टर शी नो, लेकिन ये बता नहीं रही मारो इसको। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा इसका ये मतलब कि प्लान यहाँ पर है लेकिन प्लान के बारे में तुमको आइडिया नहीं है। ये कहती आई डोंट नो प्लान है या नहीं है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हमारा मेकअप कहता अच्छा नहीं बताएगी मत बता, मुझे ये बता तेरी जो मास्टर यहाँ पे थी भाई हेवेली डेमोन मदर उसका क्या हुआ, वो भी मर गई जो सुनते। ये कहती भाई मुझसे क्या पूछे जा रहा है, इस बात का आइडिया तुझे होना चाहिए ना क्योंकि तू हेवेली डाउ है ना। जो सुनते हमारा मेकअप कहते तू मर गई थी लेकिन मरने के बाद रिवाइव होने का तरीका तेरे पास था जिससे तू वापस से जिंदा यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन मैंने खुद ही रिवाइव कर दिया। जब तेरे पास रिवाइव होने का तरीका है तो तेरी जो मास्टर यहाँ पर है अगर वो मर भी चुकी रहेगी ना तो उसके पास भी कोई ना कोई तरीका यहाँ पर रहेगा। ईश्वर वो नहीं मरी है, मरी भी होगी तो जिंदा यहाँ पे हो जाएगी। चल यार मुझे सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया। तो ये 2 सवाल यहाँ पर हो गए, जो तीसरा सवाल का जवाब यहाँ पे दे तुम लोगों ने हेवर के साथ गद्दारी कैको की थी। जो सुंदर पहले मुंह फुलाती है और कहती है क्योंकि यार जो हेवर यहाँ पर है ना बिल्कुल भी दयावान नहीं है। जो सुंदर हमारा मेकअप हंसने लग जाता है तो ये भी कहती साले क्या हुआ तू हंस कैको रहा है। हमारा मेकअप भी कहते नहीं तुमने क्या बोला, हेवर दयावान यहाँ पे नहीं है, जरा बताओगी क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब हुआ। तो ये भी कहती है क्योंकि जो भी सेहत लोग हैं जो भी बड़े लोग हैं तुम्हारे जैसे वो सब जो बाकी लोग हैं ना उनको कुत्ते जैसा यहाँ पे मानते हैं, कुत्ते जैसा ट्रीट यहाँ पे करते हैं, समझिए क्या जिसके चक्कर में हेवर बिल्कुल भी दया नहीं बरसाता और दयावान नहीं है। हमारा मेकअप भी कहता हुआ तू वेस्टर्न एरिया से बिलोंग करती हो और तू भी भाई तुमको बहुत सारी बातें यहाँ पे पता है, लेकिन जो तुमने पहली लाइन यहाँ पे बोली ना कि भाई ये हेवन दयावान यहाँ पे नहीं है लोगों को कुत्ते जैसा ट्रीट करती है, ये लाख गुना तुमने झूठ बातें बोली है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई अब इसको लेके कौन सा नया कार्ड आता है और वो हमारा मेकअप कैसे सॉल्व करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।